आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और मैं भी प्रणाम करती हूँ, इसीलिए चुलबुली है दादा। क्या बात है, क्या बात है। नाम अनिल, चुलबुली अनिल, चुलबुली। वाह, छोटा सा परिचय है, परिचय के क्रम में फंसना नहीं चाहता हूँ, सुबह हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं उस अपने अनुज को धन्यवाद दूँ जिसने इतना बृहद आयोजन किया और बहुत ही खुशी में उस आयोजन को यहाँ पे समाहित किया गया। तालियां तो बनती हैं, क्योंकि वास्तव में ये बहुत ही खुशी का दिन है कि यहाँ पे वो आयोजन समाहित हो रहा है। शायद आप वहां पे ना पहुंच पाते, लेकिन आप यहाँ मौजूद हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, मंच के लिए गौरव की बात है। तो एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। और बड़ी बड़ी बातें मैं करता नहीं हूं, सबसे पहले क्योंकि छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होती हैं, और उन्हीं में आदरणीय फलक जी खुशियां तलाश लेनी चाहिए, है नहीं? तो हमारा ये मानना है कि उसी में हम खुशी तलाशने वाले लोगों में से हैं। ऐसे जनपद से हूँ भैया, गौरव भैया, ऐसे जनपद से हूँ जहाँ ना रेलवे स्टेशन है, ना बस स्टॉप है, डायरेक्ट हवाई अड्डा है, वो भी चालू नहीं है। फिर भी रात को 10 बजे बैठा हूँ शिवरामऊ में आपके यहाँ पर। सुबह मेरे ख्याल से 6 बजे क्यों शिवम, 6 बजे पहुँच गया हूँ। दादा तो और पहले ही आ गए हैं, इनके लिए तो और तालियां बज। तो जहाँ तक मैंने ये देखा कि आज जो हमारा ये आयोजन है, इस आयोजन के लिए अगर 4 लाइनें ना दूं, स्वागत स्वागत, डायरेक्ट अगर हंसने हंसाने पर उतारू हो जाऊं, तो स्वागत स्वागत, ये आज के इस आयोजन के खिलाफ होगा। तो सबसे पहले 4 लाइनें देना चाहता हूं। हकीकत ये कि अक्सर भीखदानी मांग जाते हैं, हकीकत ये कि अक्सर भीखदानी मांग जाते हैं, अरे जो वीर है अक्सर वो सीमा लांघ जाते हैं। हकीकत ये कि अक्सर भीखदानी मांग जाते हैं, अरे जो वीर है अक्सर वो सीमा लांघ जाते हैं। जहां रण बाकुरों ने नाप डाली है धरा सारी, जहां रण बाकुरों ने नाप डाली है धरा सारी, जहां रण बाकुरों ने नाप डाली है धरा सारी, वहां कितने ही पानी दार पानी मांग जाते हैं, वहां कितने ही पानी दार पानी मांग जाते हैं। कभी मैंने 4 लाइनें लिखी थी आज के इस आयोजन के लिए, बड़ा ही फिट बैठा ये। और जहां तक मैं अपना परिचय देना चाहता हूं, हालांकि परिचय वो सुबह नहीं होगा, लेकिन परिचय देना चाहता हूं कि मेरी है ये क्वालिटी, आदरणीय, हाँ क्वालिटी मेरी है ये क्वालिटी की कोई क्वालिटी ना मेरी, मेरी है ये क्वालिटी की कोई क्वालिटी ना मेरी, देश प्रेमियों के भक्त दुश्मनों के काल है। मेरी है ये क्वालिटी की कोई क्वालिटी ना मेरी, देश प्रेमियों के भक्त दुश्मनों के काल है। भूत ना भविष्य ना ही वर्तमान है अनिल, भूत ना भविष्य ना ही वर्तमान है अनिल, मैं हूं निहाल मेरे अपने निहाल। इसमें एक लाइन और जुड़ सकता है, कुछ लोगों ने जबरदस्ती इसको दे दिया है कि मेरी है ये क्वालिटी की कोई क्वालिटी ना मेरी, देश प्रेमियों के भक्त दुश्मनों के काल हैं, और भूत ना भविष्य ना ही वर्तमान है अनिल, और तीनों को छोड़ ही देखा है बहु काल। ये लोगों ने जबरदस्ती दिया है। ये तो अनिल का परिचय हो गया, अब चुलबुली के परिचय की बारी आती है, तो सुनिएगा कि नजारा लोग करते हैं नजारा हम नहीं करते, नजारा लोग करते हैं नजारा हम नहीं करते, कि दर्पण देख कर जुल्फे सवारा हम नहीं करते, नजारा लोग करते हैं नजारा हम नहीं करते, कि दर्पण देख कर जुल्फे सवारा हम नहीं करते, प्रेम में लोग कहते हैं हमें अब चुलबुली लेकिन, प्रेम में लोग कहते हैं हमें अब चुलबुली लेकिन, इशारा लोग करते हैं इशारा हम नहीं करते।
चुनमुनी का परिचय। ये तो एक पेमेंट में दो खेल हो गए। देखिए नहीं नहीं वास्तव में बहुत बढ़िया। देखिए है क्या गौरव भैया कि हमारी इकलौती पत्नी है। नहीं नहीं आप की पता नहीं है। मैंने अपने अपने बात नहीं नहीं आप हंसो मत। आप आप आपके बारे में नहीं बोला है जानकारी। नहीं नहीं मैंने अपने हाँ वो मैंने अपने बारे में बोला है। बाकी उसका पत्नी हाँ वो हमारी इकलौती पत्नी है और वास्तव में बड़ी धार्मिक है। अच्छा वास्तव में बड़ी धार्मिक है जी जी। और वास्तव में लखनऊ बाराबंकी साइड में काफी आयोजन होते रहते हैं तो वहाँ पे कुछ जो है कभी मित्र बुलाते रहते हैं तो वहाँ नवरात्रि में एक आयोजन पड़ गया। अब वहाँ से जब हम घर गए, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे हैं ठीक है, घर गए अब वापस गए तो रामायण पढ़ रही थी। धार्मिक है तो रामायण पढ़ेंगे घर में है स्वाभाविक है। अब पढ़ रही थी कहे लंकेश कवन थे कीसा, कहे लंकेश कवन थे कीसा और कह केवल घाले से बन कीसा। अच्छा अब सुंदर खाने का प्रसंग है। हम तो कभी सम्मेलन से थके हारे आप तो जाने आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आदरणीय थके हारे हम कहते देवी जी कुछ खाना वाना मिलेगा, कह रहे आप ही तो मेरे देवता हो खाना क्यों नहीं मिलेगा। तो कई खाना निकाली अब आ करके फिर वही प्रसंग पड़ रही है और हम जल्दी जल्दी खाने वाले चूंकि भूख लगती है जी हाँ जी। अभी आपने देखा ही शिवम के यहाँ कैसे खाया तो वहां जैसे ही अब वो पढ़ रही है कह लंकेश चावल लेंगे क्या। कई काम एक साथ करेंगे तो क्या होगा। अब आप लोग बताइए इधर वाले इधर वाले को मालूम है कि इधर वाले को मालूम है इनकी पत्नी बोली कि मेरे बारे में कुछ बढ़िया शब्द आप मेरी प्रशंसा करो। नहीं नहीं बात ये तो ये इन्होंने प्रशंसा करी वो रामायण पढ़ रही है ना। कभी आदमी है तो अपनी कवित्व की भाषा में उन्होंने प्रशंसा करी जी, जी, कि उत्तम प्रकृति रहीम के का कर सकत कुसंग जय हो चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहे भुजंग। जब वो प्रशंसा सुनी थे अंदर से बेलन लाई 10 बेलन लगा। ऐसा नहीं हुआ दादा ऐसा हुआ नहीं चूंकि वो मौके की बात है आपकी तो पतोहू है। अब जब आपसे शिकायत करेंगे तभी ना। अब क्या हुआ कि हुआ ये था कि जैसे उन्होंने कहा कह लंकेश चावल लेंगे क्या। अब हम क्या कम है क्या शिवम जी। नहीं हमने भी बोल दिया चावल ही नहीं दाल भी ले लंकेश को चावल परोसा जाएगा क्या हाल है। अच्छा अब हम ये बात नहीं जाने थे कि मन में बिठा ली गौरव भैया है। अब एक दिन ऐसे ही हम भी उतावले होकर के पढ़ रहे हैं ढोल गवार सूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यही दोहरा रहे हैं कि कुछ आए उधर से लेकिन अब कहां ढोल गवार सूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये आ रहा है जब हम सोचे कि कोई वहां से भाई रिएक्शन नहीं आवत है ये हमारे गोंडा के शब्द है कोई जब प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है ठीक है तो हम सोचे कि क्या कुछ पूछे तो हम कहे देवी जी इसका अर्थ वर्थ मालूम है आपको क्योंकि बात तो उधर वाली थी चावल वाली हाँ कुछ इसका अर्थ वर्थ पता है आपको। अब जैसे ही हम कहे तो कहे क्या बोले आप। हमने कहा कि ढोल गवार सूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी उधर से बोल रही हैं कि स्वामी 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 इसका अर्थ एकदम साफ है इसमें एक जगह मैं चार जगह आप। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए ये सारी चीजें हैं हंसने हंसाने की चीजें हैं लेकिन वास्तव में ये सत्य हैं और सत्य पे ही मैं लिखता हूँ समसामायिक। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लेकिन आदरणीय दादा नरेंद्र का जब सहयोग मिला और साथ मिला शिवम जैसा अनुज मिलता है तो बात जब ये आती है
कि आप लेडीज आवाज में काव्य पाठ नहीं कर सकते हो। कुछ आदरणियों का कहना था आप लेडीज आवाज में कविता के मंचों पे काव्य पाठ ना करो, तो मैंने कहा मैं लिखता हूं इसके बाद पढ़ता हूं, ना चुटकुले पढ़ता हूं ना मन पढ़ता हूं, कुछ कलम अपना उठाता हूं, कुछ करता हूं, कुछ पढ़ता हूं, तो मुझे लिखना पड़ा आप लोगों को के बीच में, मैं उस बात को रखना चाहता हूं। तो मुझे वहां पर लिखना पड़ा, चार लाइनें लिखना पड़ा दादा। मैंने लिखा कि आप लोग कैसे भी पढ़ो, चुटकुला पढ़ो, छंद पढ़ो, छछंद पढ़ो, जो समझ में आए पढ़ो, गीत पढ़ो, गजल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर केवल चुलबुली से आपको आपत्ति है, जमाना इतना खराब है, श्रावस्ती से अकेले चलता हूं, चुलबुली को छोड़ के आऊं, कोई अनहोनी हो जाए तो उसको अपने साथ ले आता हूं, तो आपको तकलीफ क्या है? ठीक है, अब जमाना खराब है दादा, तो मैं जब ये काम कर रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ा चार लाइनें। जब लिखना पड़ा तो उसको मैंने लिखा कि जाम क्या पानी बिना पीने दोगे क्या, जाम क्या पानी बिना पीने दोगे क्या, जो छलनी किया कलेजा ना सीने दोगे क्या, जाम क्या पानी बिना पीने दोगे क्या, जो छलनी किया कलेजा ना सीने दोगे क्या, यासु यासु मगरमच्छ का जनाजे पर अनिल, यासु मगरमच्छ का जनाजे पर अनिल, उठ जाऊं जनाजे से तो जीने दोगे क्या। अभी फिर उठेगा लेडीज आवाज में ही काव्य पाठ करेगा। एक समसामायिक और एक सरकार के प्रति रचना को समर्पित करते हुए कहते, रचना में अगर कोई सरकार के प्रति या किसी भी प्रकार का कोई सीख नहीं है या कोई भी आईना दिखाने वाला समाज को अगर काम नहीं है तो आपकी सारी रचना धर्मिता व्यर्थ है, ऐसा हमको आदरणीय दादा ने सिखाया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक रचना जो है सामाजिक और आईना दिखाने वाला समाज को थोड़ा सा है नहीं है, उसको मैं एक जो है, चूंकि बड़े बड़े गीतकार हैं, छंदकार हैं, गजलकार है, वो शिवम हमारा अनुज है बैठा हुआ अभी, वो उसकी रचना कितना अच्छा पढ़ता है। 22 नवंबर को मैंने आमंत्रित भी किया है बलरामपुर में, ये अनुज जो है काव्य पाठ भी करेगा, दादा भी रहेंगे उसमें, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है वहां, अगर भगवान ने चाहा ऐसा तो जरूर होगा, तो वही भगवान ने चाहा तो जरूर होगा, ये मैं बोल रहा हूँ, तो चूंकि उसके बिना तो कुछ होता नहीं है भाई, मैं नहीं करूँ, तो मैंने कहा कि वो चार, क्योंकि अभी तक छंद वंद छछंदकार तो मैं अकेला हूं अभी यहाँ फिलहाल, छछंदकार ठीक है, तो एक नई विधा है, तो मैं आपके बीच में, अब देखिए क्या होता है, सरकार जब कोई बढ़िया काम करो तो पुरस्कार देती है, जब कोई खराब काम करो तो दंड देती है, यही होता है ना, अमूमन यही होता है। लेकिन हुआ क्या कि आप लोग विचार करने के योग्य है, चाचा हमारे एक जो है वहां पे है, छपरा में है इस समय, मतलब असिस्टेंट जेलर है वहां, तो कई बार मैं गया तो मुझे पता चला अंदर की सारी चीजें पता चला, तो मुझे लगा कि कुछ इस पे कलम उठानी चाहिए, तो मैंने लिखा कि सरकारी काम का आंकड़ा बताएं क्या, जेल के भी टेंडर में फोन आए बंदी का, सरकारी काम का आंकड़ा बताएं क्या, जेल के भी टेंडर में फोन आए बंदी का, ताक पे रखा नियम सोचने पे मजबूर, इतनी भी हो सकती राजनीति गंदी क्या, सरकारी काम का आंकड़ा बताएं क्या, जेल के भी टेंडर में फोन आए बंदी का, ताक पे रखा नियम सोचने पे मजबूर, इतनी भी हो सकती राजनीति गंदी क्या। अब आगे का देखिएगा, सरकार का प्रोत्साहन और दंड वाला, कि कलुआ हुआ था तो पाए 6,000 थे, जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है, ठीक है, उस पे गौर कीजिएगा, कि कलुआ हुआ था तो पाए 6,000 थे, अब 1,500 मिला अब हमें नसबंदी का, कलुआ हुआ था तो पाए 6,000 थे, 1,500 मिला अब हमें नसबंदी का, साइकिल दहेज वाली अभी तक उधार है, साइकिल दहेज वाली अभी तक उधार है, अब जाके समझा कि दौर चले मंदी का। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को, और मैं छोटे छोटे वीडियोज का निर्माण करता हूं बीगो पर, और उस पर आप अगर डालते हैं चुलबुली, गलती से भी लिख देते हैं अगर बीगो पर, तो हमारी आवाज खुल जाएगी वहां पर, लल्ला नवा ये वाली आवाज, ठीक है, तो ये बहुत बहुत प्रणाम आप सभी, वास्तव में बहुत अच्छा लगा, और वास्तव में जो ये आज का आयोजन है इसकी जितनी तारीफ की जाए
भैया के, गौरव भैया के इस चैनल का जितना तारीफ किया जाए, हालांकि वो करने के लिए हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, दूसरे का काम मुझे नहीं शोभा देता है, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा मतलब तारीफ करते हुए, जिसको आप बोलते हैं कि कुछ जब अच्छा हो वही प्रोत्साहन और पारितोषित वाली बात है, तो एक बार तालियां बजा लीजिए अपने लिए, आप अपने तारीफ के लिए, और बहुत बहुत प्रणाम अनिल बुलबुली।